अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को विद नाज़नीन सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है दही वाला गोश्त। इसके अंदर हम खड़ा मसाला भी शामिल करेंगे। और ये जो मज़ेदार सी हमारी रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी, गोश्त की इसकी तरकीब क्या है, ये जो खड़े मसाले वाली रेसिपी आज हमने आपको सिखानी है दही के साथ कैसे बनेगी, जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैंने ना गोश्त में ना तेल डाल दिया अंदाजे से, ठीक है। ये हल्दी आधा चम्मच, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मतलब आज डिफरेंट जो है मतलब हम प्याज नहीं डाल रहे। हाँ जी, प्याज लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डाल रहे, बिल्कुल ओके। अच्छा, ये ना आधा चम्मच मैंने ले लिया हल्दी का, एक चम्मच जीरे का, आधा चम्मच पीसी हुई मिर्च का, आधा चम्मच नमक का, लौंग, इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, दादरी मिर्च, नमक, ये मैंने डाल दिया। ये है खड़े मसाले, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम लोगों ने खड़े मसाले डाले हैं इसके अंदर और दही भी हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं। ये दही मैं डाल रही हूँ इसमें, दही का तो जायका बनेगा सारा, दही का। और इसका मतलब जो मसाला बनेगा वो ये दही का ही होगा क्योंकि हम लोगों ने प्याज तो डाले नहीं है इसके अंदर, तो सिंपल हम लोगों ने गोश्त लिया डायरेक्ट उसके अंदर हम लोग कुकिंग ऑयल शामिल किया है। हाँ जी। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर स्पाइस डाले हैं क्योंकि हमारे खड़े मसाले वाला और दही वाला गोश्त है, तो हम लोगों ने दही शामिल कर दी है इसके अंदर और अब इसके बाद हम लोग इसे पकने के लिए रख देंगे। हाँ जी, जब ये गल जाएगा फिर हमने इसे भून लेंगे। घी तो मैंने डाल दिया ना तेल, जी जी, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। ओके, पानी डालना है फिर हमने इसको पकने के लिए रख देना है। जब हमारा ये मतलब तैयार हो जाएगा तो जो हमारी रेसिपी है उसको हम लोग भून लेंगे क्योंकि आज की जो सी रेसिपी है तो ना तो हम लोगों ने प्याज यूज़ किए हैं ना ही हम लोगों ने लहसुन वगैरह का पेस्ट डाला, तो बहुत डिफरेंट सी ये बहुत मज़ेदार बनेगी क्योंकि दही से खट्टी सी भी होगी और खड़ा मसाला भी हम लोगों ने डाला है तो उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मैंने पानी भी डाल दिया इसमें, अब मैं ये पकने रख देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो व्यूवर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें और व्यूवर्स आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखना है आज की रेसिपी को कि मज़ेदार सा जो हम दही वाला गोश्त आपको खड़े मसाले के साथ बनाना सिखा रही हैं वो कैसे बनेगा। तो व्यूवर्स यहाँ पे हम लोगों ने गोश्त को पकने के लिए रख दिया है, इसको एक उबाला दिलाएंगे उसके बाद हम लोग इसको मज़ीद पकाएंगे। पानी हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया है और अब इसको हम लोग गलने रख रहे हैं, तो वेट करते हैं और देखते हैं मज़ेदार से जो सी आज की हमारी दही वाले गोश्त की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। जी, तो हम देखते हैं कि ये देखें हमारी हांडी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गई है। ये घी भी छोड़ दिया है, अब मैं निकाल के दिखाती हूँ, भून दी। तो व्यूवर्स हम लोगों ने इसकी मतलब बुनाई कर ली है गोश्त के पकने के लिए, हमने इसको रख दिया था, तो अब हम लोग इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी, तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो सा हमारा दही वाला खड़े मसाले का जो गोश्त जो हमने आज आपके साथ रेसिपी शेयर की है वो तैयार हो गया है। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो हम लोगों ने इसके अंदर बिल्कुल भी प्याज लहसुन वगैरह का पेस्ट नहीं डाला था। जो इसकी ये ग्रेवी है, जो ये आपको मसाला नज़र आ रहा है, ये हम लोगों ने दही डाली थी इसके अंदर, उसकी वजह से है। और जो खड़ा मसाला है उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा हो गई है और ये टेस्ट में माशाल्लाह बहुत अच्छा। मैंने अभी इसको टेस्ट किया तो टेस्ट इसका बहुत डिफरेंट हो गया क्योंकि दही की वजह से इसके अंदर खटास भी है और खड़े मसाले की वजह से इसके अंदर थोड़ा सा जो फ्लेवर है वो चेंज हो गया। बाकी हम लोगों ने वही सारे मसाले जो हम अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, नमक मिर्च और लिए थे, वो हमने यूज़ किए हैं। तो एक यूनिक से डिफरेंट सी रेसिपी जो हमने गोश्त के वाले से आपके साथ शेयर की है, आप लोग इसको बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो व्यूवर्स आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें। इसके साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को विद नाज़नीन सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स जब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ गो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।